जिस जिस क्षेत्र में चुनाव होते हैं पीएम मोदी देश की जिम्मेदारी छोड़ वहां वहां बीजेपी का चेहरा बनकर पहुंच जाते हैं और एक क्षेत्रीय नेता की तरह वो पार्टी को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति तक अपना लेते हैं। अब इस साल कर्नाटक में चुनाव होने हैं तो जाहिर है कि पीएम मोदी फिर चुनावी जंग में कूदेंगे और वहां भी बीजेपी का कमल खिलाने के लिए सारे दांव लगाएंगे। लेकिन पीएम की इस रणनीति को अब कांग्रेस बखूबी समझ चुकी है, इसीलिए सीएम सिद्धरमैया भी अब बीजेपी को घेरने के लिए मोदी के दांव पर ही अपनी सियासी चाल चलेंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की रणभेरी भले ही अभी नहीं बची हो, लेकिन यहां सियासी बिसात जरूर बिछ गई है। एक तरफ सत्ता पर पहले ही काबिज कांग्रेस है तो दूसरी तरफ राज्य में कमल खिलाने की जुगत में लगी बीजेपी। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को पटखनी देने की रणनीति तैयार कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस का दांव इस बार कुछ अलग होगा क्योंकि वो बीजेपी को किसी नए वार से नहीं बल्कि पीएम की नीति से ही घेरेगी। जी हाँ, जिस तरह से पीएम मोदी राज्य के चुनाव में कूदकर पार्टी आलाकमान से लेकर सभी नेताओं को घेरते हैं, ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी अपने विरोधी पार्टी बीजेपी को उसी चक्रव्यूह में फंसाएंगे। सिद्धरमैया सोची समझी रणनीति के तहत एक के बाद एक बीजेपी के आला नेताओं पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया, फिर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को और अब सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी लोकप्रिय जरूर हैं, पर लोकसभा चुनाव से पहले किए अपने वादों को पूरा नहीं कर सके हैं। पीएम पर हमला बोलने के साथ ही वो इस चुनाव को बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धरमैया बीजेपी के हमलों के जरिए कर्नाटक में ये संदेश दे रहे हैं कि आगामी चुनाव में मुकाबला कर्नाटक के सिद्धरमैया बनाम बीजेपी की दिल्ली में बैठे आला नेता से है। अब रणनीति तो तैयार हो गई है, उस पर दांव भी लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन देखना होगा कि इस चाल से सिद्धरमैया कांग्रेस की सत्ता बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।